आखिर कासगंज में क्यों भड़का सांप्रदायिक दंगा? आखिर दंगा भड़कने से पहले हुआ क्या था? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है, लेकिन इंडिया न्यूज वायरल के पास वो वीडियो आ गया है जिसमें कासगंज में हुए दंगे का असली सच सामने आ रहा है। ये वीडियो दंगा भड़कने से ठीक 5 सेकंड पहले का है, जिसमें दंगा भड़कने से ठीक पहले हो रही बहस साफ तौर पर नजर आ रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कासगंज की एक गली में भीड़ जमा है और फहराते तिरंगे को लेकर लोग आक्रामक हो रहे हैं। बीच बीच में रह रहकर मसला गरमाता है और भीड़ से आवाज सुनाई देती है कि यात्रा तो यहीं से निकलेगी। इस वीडियो को वहीं मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से बनाया है। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में पहले थोड़ा हंगामा होता है, फिर थोड़ी बातचीत होती है और फिर बात हद से आगे निकल जाती है। यानी साफ है कि इसके बाद यहाँ दंगा भड़क उठता है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको हम इस वीडियो के बारे में कुछ और बातें बताते हैं। इस वीडियो में ये साफ है कि शुरुआत में जब तिरंगा यात्रा इस गली में पहुंची तो मामला ज्यादा गर्म नहीं था, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ लोगों के आक्रामक होने के बाद बात हद से निकल गई। काफी देर तक चलने वाली बहस फौरन पत्थरबाजी में तब्दील हो गई और फिर दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला होने लगा। इस वीडियो से एक बात और भी साफ है, वो ये कि अगर पुलिस मौके पर मौजूद होती तो मौजूदा हालात से बचा जा सकता था। वीडियो में खाकी वर्दी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, जबकि मौका वारदात से कोतवाली महज कुछ दूरी पर ही है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद ये भी साफ है कि दंगा भड़कने से पहले किसी को जबरदस्ती भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम कहने का दबाव नहीं डाला गया। इस वीडियो में बार बार एक ही बात कही जा रही है और वो ये है कि तिरंगा यात्रा तो यहीं से निकलेगी। साफ है कि अगर प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई होती तो हालात को बेकाबू होने से रोका जा सकता था, लेकिन अफसोस की बात है कि कासगंज सुलग रहा है। कासगंज के कई इलाकों में हिंसा की खबरें आ रही है और पुलिस प्रशासन को अब हालात संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।